नमस्कार, गिल्ली डंडा के शो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के हालात खराब हैं, आप सब जानते हैं। देश का ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिससे जो इससे अछूता रहा हो, लेकिन एक तबका ऐसा है जो आपकी खुशियों के साथ जुड़ा हुआ है। आपके घर में जब खुशियां होती हैं तो ये तबका नाचता है, क्योंकि आपके घर में रोज खुशियां हो इसी से इसका घर चलता है। ये कामना करता है कि आपके घर में हर दिन खुशियों का हो, लेकिन आज ये तबका परेशानी में है, संकट में है। क्यों? क्योंकि COVID-19 महामारी के चलते देश में सभी तरीके के फंक्शन, शादी विवाह, सब कुछ बंद पड़े हैं। देश में कहीं पर भी सोशल गैदरिंग पर पाबंदी है। ऐसे में जब आप लोगों के घर में खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं मिलजुल कर, तो ये तबका थोड़ा सा मायूस है, क्योंकि आपके घर में खुशियां आने से इसका घर चलता है। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे तबके की कि जो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बाकी देश दुनिया के जितने भी काम धंधे हैं पटरी पर लौटने लगेंगे, लेकिन ये नवंबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तबका वेडिंग फोटोग्राफर्स का है जो शुभ मुहूर्त का मोहताज है, और ये शुभ मुहूर्त नवंबर से पहले नहीं आने वाला। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर जे एस बेदी साहब। बेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और साथ ही साथ हमारे साथ फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के ही सेक्रेटरी साहब सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कब तक उबर पाएगा ये तबका इस आर्थिक मंदी जो अभी इसी दौरान शुरू हो चुकी है, उससे कब तक उबर पाएगा? दुनिया जी, ऐसे है कि मुझे ये लगता है कि जो अगले शुभ मुहूर्त नवरात्रा से शुरू होंगे और उस पे थोड़ा थोड़ा पटरी पे आने लगेगा, लेकिन बाय द टाइम नवंबर दिसंबर आ जाता है तो मुझे लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसमें अभी काफी वक्त है। नवंबर से आपने जैसे बताया कि उससे पहले नहीं शुरू होगा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि तब तक कैसे गुजारा होगा? सोनिया जी, ऐसी है कि ये एक ऐसा समय है जो हम सब लोगों के लिए बहुत टफ टाइम है। उसकी वजह ये है कि पिछले साल नवंबर से ही ये धंधा जरा कम हो गया था और उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया, और 4 महीने हमारे पिछले सीजन के वो खत्म हो गए। और नेक्स्ट सीजन जब नवरात्रा के बाद आएगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थिंग्स विल बी नॉर्मल। किन इस दौरान किस किन तकलीफों से गुजरना पड़ेगा फोटोग्राफर, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को। सोनिया जी, सच्चाई ये है कि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनमें 60% ऐसे हैं जो कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका गुजारा होता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गुजारा करते हैं और उनके लिए भी थोड़ा समय है। जो दुकानदार हैं उनके लिए भी मुश्किल का समय है, क्योंकि उनको किराए और उनके स्टाफ की तनख्वाहें अरेंज करना मुश्किल है, और फिर घर का खर्चा तो कम कभी नहीं होता। आपके ऑडियो में शायद थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। उससे पहले मैं सुनील जी से बात कर लेती हूँ कि सुनील जी, देश में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो इस समस्या से अछूता रहा हो, लेकिन फोटोग्राफर के लिए समस्या ज्यादा बड़ी क्यों है? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आंकड़े पे चलते हैं। आज जो हमारे फोटोग्राफर्स का जो समाज है, इसमें अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि 60% जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत ही निम्न आय से आते हैं, निम्न स्तर के आय वाले हैं, जिसमें वो कहीं पे फ्रीलांसर का काम करते हैं या स्टाफ के रूप में काम करते हैं। ये 60% तबका है हमारे फोटोग्राफर का। अभी जो सिचुएशन है, हम लोगों ने, हमारे जो वेडिंग फोटोग्राफर हैं उन लोगों ने क्या किया था कि वो इनके जो 3-4 महीने की कमाई होती है इससे पूरे साल का बजट बनाते हैं। इसमें उनके स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल, उनके इक्विपमेंट के खर्चे, उनका घर का खर्चा,
सब कुछ इंक्लूड होता है, परंतु इससे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नवंबर दिसंबर में वो अपने सारे इक्विपमेंट को अपग्रेड करते हैं, अपने कमाई का एक मोटा रकम उस पर खर्च कर देते हैं उसके अपग्रेडेशन पे जो उन लोगों ने कर दिया है। अभी सबके पास स्थिति बहुत ही खराब है, पैसे खर्च हो चुके हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने स्टाफ को भी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि उन्हें भी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। और इस स्थिति में अब जो हमारा 4 महीना निकल गया और अगले 2-3 महीने तक की जितनी वेडिंग थी वो भी सारे कैंसिल हो रहे हैं। मई जून तक के सारे वेडिंग कैंसिल हो चुके हैं लगभग हर प्रदेश में। वेडिंग फोटोग्राफर जो है तो उसके हिसाब से अब हमारा सीजन शुरू होगा नवंबर दिसंबर। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन में अच्छा हो, ये जो महामारी है वैश्विक महामारी इसका प्रकोप लगभग समाप्त हो जाए, ईश्वर से हम सब कामना करते हैं और उसके लिए हम तैयारी करें। परंतु एक भयावह स्थिति हमारे सामने बनी हुई है कि पूरे साल जो हमने नवंबर दिसंबर के काम खत्म किए थे उसके बाद अभी से लेके अगले नवंबर दिसंबर तक हम किस तरह से काम करें अपने परिवार के लिए या अपने स्टाफ के लिए और अपने खर्चों को किस तरह मैनेज करें, ये पूरे भारत में हमारे फोटोग्राफर के लिए आज बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए भी बना हुआ है कि ये वेडिंग फोटोग्राफी का जो काम है वो सीजन वाइज चलता है और सीजन जा चुका है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ आंकड़े मुहैया करा सकते हैं आप कि कितना बड़ा तबका बुरी तरह प्रभावित है फोटोग्राफर्स, वेडिंग फोटोग्राफर्स का? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो 60% है फोटोग्राफर वो बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित है। 30-35% है जो ऑनर्स है, शॉप ऑनर्स है, उनकी स्थिति भी बहुत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आने वाले समय में भी उनके काम लगभग वेडिंग के जो काम है वो समाप्त है। 5-10% ऐसा तबका है, मैं 5% ही कहूंगा, जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं, जो बड़े बजट पे काम करते हैं उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। परंतु हमारा जो 90-95% जो फोटोग्राफर का परिवार है, जो संख्या है, वो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है। एक सवाल और याद आ रहा है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि कोई भी बिजनेस पर्सन या दुकान मालिक अपने कारीगरों को जॉब से ना हटाए या सैलरी पूरी दे, तो ऐसे में वो फोटोग्राफर्स के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं प्रदेश और देश स्तर पर। देश स्तर पर हम लोगों ने इसके प्रति अपने माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सबको पत्र लिखे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करवाया है इसकी तरफ, इस समाज के प्रति, क्योंकि हमारा जो ये फोटोग्राफी समाज है आज तक इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, जबकि सारे संचार माध्यम हमसे जुड़े हुए हैं। आज जो भी सरकार को अपने बात दिखाने हैं या बताने पड़ते हैं वो हम कहीं ना कहीं हमारे माध्यम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने बहुत पहले भी सरकार से ये डिमांड रखी थी कि आज तक भारतवर्ष में आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, सांस्कृतिक कला के क्षेत्र से भारत सरकार के द्वारा हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे इस क्षेत्र से राज्यसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं हुआ। तो हम लोग, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को कभी उठाया नहीं गया, सरकार के प्रति इसकी संवेदना थोड़ी कम रही इस समाज के प्रति। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे आंकड़े एकत्र करें और सरकार को देने का काम करें। दूसरा चीज जो आपने बताया कि सरकार के तरफ से भी मदद मिलने की, तो हमारे भी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कुछ संगठन पहले बने थे उन लोगों ने कभी इस पर काम नहीं किया, उन्होंने कभी बताया नहीं सरकार, या उनके पास आंकड़े नहीं मिल पाए कि हमारे कितने फोटोग्राफर्स या कितने संगठन भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और कितने फोटोग्राफर इसमें है। जैसे सरकार की अभी एक योजना
मनरेगा या जनधन या जो भी योजनाएं हैं, तो सरकार ने जनधन योजना के तहत सबके अकाउंट्स खुलवाए थे। जनरल जो मजदूर हैं और मनरेगा या दूसरे जो कार्य हैं जो भारत सरकार जिसको संचालित करती है या राज्य सरकार संचालित करती है, उनके माध्यम से उन लोगों को कुछ न कुछ फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सराहनीय कदम हो रहा हुआ है, परंतु हमारे कोई आंकड़े इस लेवल पर नहीं है सरकार के पास। मैं आपका सोनिया जी एक ध्यान और केंद्रित करना चाहूंगा कि आज के डेट में ये फोटो इंडस्ट्रीज जो है, हमारी संस्था सरकार को जीएसटी सबसे ज्यादा देती है। हमारा योगदान 18% का है, हम 18% जीएसटी देते हैं। आप आज देखेंगे कि जो सोना व्यवसायी हैं या मेडिसिन वाले हैं 2%, 3%, 5% वो जीएसटी देते हैं। फोटोग्राफी व्यवसाय अपना 18% जीएसटी देता है सरकार को। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, या हम भी उस स्थिति में अपने संगठन को नहीं पहुंचा पाए हैं कि सरकार के सामने हम अपना आंकड़ा प्रस्तुत कर सकें, कि उसको देख करके सरकार हमें कुछ अवेलेबल हो, उनकी तरफ से कुछ राशि मुहैया कराया जाए या कोई भी आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन जो भारत सरकार से निबंधित है, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और सरकार को लिख रहे हैं। सरकार को हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन निबंधित है भारत सरकार से, उनको सरकार की ओर से कुछ आर्थिक राशि मुहैया कराई जाए, जिससे हम अपने फोटोग्राफरों का हेल्प कर सके। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो फोटोग्राफी का जो मालिक है, जो दुकान का मालिक है, जो चला रहा है स्टूडियो, वो अपने स्टाफ को कहाँ से सैलरी देगा जो उसकी खुद की कमाई इनकम बंद है? इस मुद्दे को लेकर के सोनिया जी, हमारे कुछ प्रदेशों के जो पदाधिकारी हैं, जैसे दिल्ली से हमारे डीपीए के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी हैं, उड़ीसा से और विभिन्न राज्यों से हमारी बातें हुई हैं, और इस पर हम लोगों ने काफी गहराई से विचार किया है। और हम लोग जितने भी शॉप ऑनर हैं जिनके यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं, और अभी तो स्थिति सबकी खराब है, तो हम लोगों ने सबको एक विचार दिए हैं और उनके भी विचार जाने हैं। उस पर हम लोगों ने सबको रिक्वेस्ट करा है कि भारत सरकार के इस दिशा निर्देश का हम लोग जहां तक हो सके पूरा पालन करने का कोशिश किया जाए। हमारे जो भी हमारे यहाँ जो लड़के काम करते हैं, जो फोटोग्राफर्स काम करते हैं, उनको हम लोग आपस में बैठ के, और उन्हें भी सारे सिचुएशन मालूम है, हम लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और जहां तक हो सकता है उनके परिवार का खर्चा जिसमें बिल्कुल चलता रहे, कुछ कम आगे पीछे करके जिसपे वो तैयार हैं, हम लोग उनको देने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और ये काम पूरे भारतवर्ष में हर जगह हम लोगों, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं कवई के माध्यम से, जितने सदस्य संख्या जुड़ी हुई है, सबको हम लोगों ने ये गाइडलाइन दिए हैं। ठीक, तो जैसा कि सुनील जी ने कहा, बेदी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फोटोग्राफी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इस ओर आपकी क्या योजना है, क्या इस तरह से मीटिंग्स आप लोग लेंगे या बातचीत के दौरान आप ये बात करेंगे? जैसे जैसे सुनील जी ने पहले भी आपको बताया है कि हमने अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ RBI, उन सबको पत्र लिखे हैं और अपनी जो हालात हैं उन पर नजर डालने के लिए कहा गया है। तो हमने जो स्टेट्स के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कलेक्टर से, चीफ मिनिस्टर से ऐसी रिक्वेस्ट करें कि हमें किसी किस्म की सहायता दी जाए, ताकि हम कम से कम सर्वाइव कर सकें अगले सीजन तक। इसमें एक दो बातें और भी हैं सोनिया जी, कि शायद ऐसा कोई भी फोटोग्राफर नहीं है जिसने कुछ ना कुछ बकाया रकम अपने जो ग्राहकों हैं, ग्राहक हैं, उनसे नहीं, मतलब नहीं है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो अपनी पुरानी पेमेंट्स हैं वो कम से कम ले। इसके बाद
जो हमारी कई अच्छी स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है जिनके पास अच्छे फंड्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समय में वो अपने मित्रों की सहायता करें। और ये अब सर्वाइवल का जमाना है, वी हैव टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट सीजन। और बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हमारा भाईचारा ठीक ठाक से इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। और मुझे एक वीडियो भी आई है कि कुछ जगह से लोगों ने गाड़ियां भर भर के अपने जो गरीब फोटोग्राफर हैं जिनको घर के सामान की किल्लत है वो दे रहे हैं, मेरे पास वीडियो आई है। सो इसी तरह से भाईचारा बना रहेगा तो हम टिके रहेंगे। और किसी तरह से ऐसे है कि यू नो देयर इज अ सेइंग, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। मैं एक बुक पढ़ रहा था, एंड्रयूज मैथ्यूज हैं एक, उन्होंने लिखा है बीइंग हैप्पी। तो मैं चाहूंगा कि उसकी चार लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जिससे हमारे फोटोग्राफर्स को हौसला मिले। वो कहते हैं कि एज श्योर एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड विंटर फॉलोज द स्प्रिंग, सो मस्ट अवर लाइफ मूव इन साइकिल्स। देयर विल ऑलवेज बी इजी टाइम्स एंड देयर विल बी hard times too. As sure one season follows another, one of the great challenges of life is dealing with the winter while you are waiting for the things to be better in spring. So things will go better, they always do. The trouble is that many people give up. ऐसी ही चंद लाइनों के बदौलत ही देश दुनिया जो है सर्वाइव कर रही है। और जैसे कि आपने भाईचारे की बात की, तो बुरे समय में ही आज पता चल रहा है कि देश का हर एक आदमी, हर एक प्राणी एक दूसरे के साथ एकजुटता से मिलजुल कर आगे बढ़ रहा है। इस देश में कहीं भाईचारे की कोई कमी नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि बेदी साहब ने बताया है कि आप लोगों ने आरबीआई को भी पत्र लिखा है, क्या आप सीएम आवास या सीएम ऑफिस को या पीएम ऑफिस को भी आपने पत्र लिखा है? जी जी, आपको मैं बता दूं कि हमने 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा और अपनी स्थिति से राष्ट्रीय लेवल पर अवगत कराया उन्हें। और हमने माननीय वित्त मंत्री महोदया को भी पत्र लिखे हैं और आरबीआई की चेयरमैन को भी हमने पत्र लिखे हैं। तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है आरबीआई के चेयरमैन से कि भारत सरकार के जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए तो दिशा निर्देश आए हैं, परंतु हमारे जो फोटोग्राफर समाज है वो बहुत बड़ा समाज प्राइवेट बैंकों से लोन लेता है और उसमें खास करके बजाज फाइनेंस और इस तरह के एचडीबी फाइनेंस और इस तरह के बैंकिंग है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उसके लिए भी, प्राइवेट बैंकों के लिए भी अगर आरबीआई की तरफ से कुछ दिशा निर्देश आए सरकारी बैंकों की तरफ, तो शायद हम लोगों को, हमारे समाज को थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। और इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर से भी पत्र भेजे हैं और कुछ प्रदेश संगठन जहां पे है उन्होंने भी पत्र लिखे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी जो संगठन बने हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा भी पत्राचार हो रहा है। अच्छा सुनील जी, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि वेडिंग फोटोग्राफी ऐसा बिजनेस है जिसकी तरफ ज्यादातर लोगों का या सरकारों का ध्यान बमुश्किल ही जाता है, तो ऐसे में उनका ध्यान इस तरफ खींचने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कैटेगरी तो हम लोगों ने बांटा है कि वेडिंग फोटोग्राफर, जर्नलिज्म या जो भी है, बट पूरे तरह से अगर हम देखें तो वो हमारे फोटोग्राफर ही हैं। अब ये और बात है कि वो उनकी क्रिएटिविटी किस क्षेत्र में है। तो हम पूरे फोटोग्राफर समाज की बात करते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या वेडिंग फोटोग्राफर हो या मीडिया के फोटो हमारे भाई बंधु हैं, तो जो भी है ये सारे फोटोग्राफर हैं। और हम पूरी फोटो इंडस्ट्रीज के लिए बात कर रहे हैं कि सरकार को हमारे ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि
हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक रहे, क्योंकि आने वाले अगले 4-6 महीने के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस नेतृत्व में देश को लेकर चल रहे हैं उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग इस भयानक महामारी से उभर जाएंगे और स्वस्थ और खुशहाल भारत में बढ़िया से फिर से हम अपना काम कर पाएंगे। सुनील जी, ये जब सब जो चल रहा है इसमें वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए आप कोई अलग से राशि की मांग रखते हैं? नहीं, अभी तक हमने वेडिंग फोटोग्राफर के लिए कोई अलग से मांगे इसलिए नहीं भेजा है कि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे पास इस तरह के डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो फोटोग्राफर है, जो फ्रीलांसर है, वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक बहुत बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं काम करता है, वो सैलरी बेसिस है, सैलरी बेस पे काम करता है, और 5-10% ऐसे फ्रीलांसर हैं जो अपना ऑर्डर लेके काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने इनको फैब्रिकेट नहीं किया है, हमने ओवरऑल सारे की स्थिति को देखते हुए उनके लिए भारत सरकार से उनका ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। तो चलते चलते बेदी जी, जैसे कि आप मुखिया हैं फोटोग्राफर्स के, तो आपका संदेश क्या होगा देश के नाम, भाइयों के नाम? ऐसा है कि जैसे आप सबको पता है कि पवाई को फॉर्म हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं, उन्होंने लगभग 21 स्टेट्स से जोड़ ली है, और हमारा कुछ टाइम, हम ये जो लॉकडाउन आ गया इस पीरियड में हम बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत कुछ ऐसे हो गया। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर रजिस्ट्रेशन कराई दिल्ली में जिसमें महीनों लग गए, उसके बाद सुनील जी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसके लिए भी समय लग गया, फिर ये लॉकडाउन शुरू हो गया। अगर ये ना होता तो अब तक हम बहुत कुछ कर पा सकते थे, लेकिन आप बिल्कुल यही सोचिए कि आगे से हम बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। थोड़ा अभी टाइम लग जाएगा, अब पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलता है, और उसके बाद ये तेजी आएगी, हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे हम गवर्नमेंट को अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, सरकार के साथ जो हमारी वार्ताएं हैं चल रही है, हम लोग लगातार भारत ये अपना फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश हैं या जिला हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क साधे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हम लोग लगातार उनके पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, और किसी भी फोटोग्राफर को असुविधा नहीं हो, उनके परिवार को असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने उनको बताया है कि अपने लोकल स्तर पर वो लोग काम करें, जहाँ पे संगठन है अपने सारे मेंबर्स को, और जो हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर्स नहीं है जो इस लाइन में काम करते हैं, इस क्षेत्र के हैं, उनको भी चिन्हित करें, अगर उन्हें आवश्यकता है तो संगठन के माध्यम से उन्हें फायदा पहुंचाने का कोशिश करें ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। इस बीच में भारत सरकार से जो रिलेटेड या राज्य सरकार से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी वो संपर्क साध के और उनसे भी सहायता उनको पहुंचा सकते हैं, तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो बैठे हुए हैं इतने दिनों से, तो उनको भी कुछ ज्ञान की वृद्धि हो, इसके लिए हम लोग कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और उनके ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो हम लोग करवा रहे हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें हमारे आगरा से अमित कथूरिया जी का भी बड़ा बढ़िया प्रमोशनल क्लासेस आ जाता है जो हम लोग देख रहे हैं, और उससे सब लोग बैठ के घर बैठ के ही अच्छा कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, लोगों को एडिटिंग का मौका मिल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कैमरून कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, वो हर 3 दिन पे ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हैं, और भारत के
बढ़िया फोटोग्राफरों को लेकर के उनकी क्लासेस हो रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस समय का भी हमारे फोटोग्राफर पूरा सदुपयोग करें और आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो, ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिस्टर बेदी साहब और सेक्रेटरी साहब हमारे सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे शो में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से समस्या छोटी नहीं बहुत बड़ी है। फोटोग्राफर्स के लिए ज्यादातर ध्यान लोगों का नहीं खींच पाता, लोगों को लगता है अपना बिजनेस जमाए हुए बैठे हैं और अच्छा कमा खा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसा तबका है फोटोग्राफर्स के अंदर ही जो बहुत छोटी इनकम के साथ गुजारा अपना कर रहा होता है, कुछ 10,000 का शादी कर रहा होता है, कोई 15,000 की। ऐसे में समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब लॉकडाउन आ जाता है, और लॉकडाउन के बाद भी शुभ मुहूर्त, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो नवंबर में शुरू होगा सहालक जिसे कहा जाता है, तो सहालक शुरू होने के बाद ही फोटोग्राफर वापस पटरी पर आने की सिर्फ कोशिश करेगा। नवंबर में उसका काम अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है, नवंबर में उसके कुछ काम बुक हो गए, फिर वो अपने खर्चे पर स्टाफ को रखेगा, वेडिंग कवर करेगा, कैमरा का अपना खर्चा अलग होता है, और उसके बाद शादी कंप्लीट करने के बाद महीना डेढ़ महीना लग जाता है पूरा प्रोसेस करने में, तो महीना डेढ़ महीने बाद उसको इनकम होगी। पता ही लंबा ये प्रोसेस बड़ा लंबा जाने वाला है, तो हम गुजारिश करेंगे सरकारों से भी कि इस तरफ भी ध्यान दें और वेडिंग फोटोग्राफर जो एक छोटा तबका नहीं है, जो 18%, जैसे कि सुनील जी ने बताया कि GST भी भर रहा है, तो उसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो अछूता नहीं रह सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस तरफ भी सरकारों का ध्यान जाए और जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो ये जान लें वो हमारे शो के माध्यम से कि फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे शॉर्ट में पवई कहा जाता है, वो फोटोग्राफर्स के लिए काम कर रही है, एक अच्छी संस्था है और देशव्यापी संस्था है, जिसमें दो लोगों से आपने आज बात की, उनको सुना कि किस तरह से प्रतिव्यवहार के दौरान के जरिए जुड़ा जा रहा है सरकारों से। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, देश में सभी लोग परेशान है इस वक्त, मिलजुल कर भाईचारा बनाने की जरूरत है, तो मायूस ना होकर ये लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करें और हतोत्साहित ना हो, अपना उत्साह बना रखें और गिल्ली डंडा देखते रहें। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए गिल्ली डंडा से आप जुड़े रहिए। नमस्कार।